काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दिनों दिन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मुंबई की कंपनी उडुपी टू मुंबई ने यहां फूड प्लाजा खोला है। दर्शनार्थियों को बिना लहसुन प्याज वाला शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जा रहा है। दो फ्लोर में संचालित फूड प्लाजा में एक साथ 300 से अधिक लोग भोजन कर सकते हैं। फूड प्लाजा के कीर्ति शेट्टी ने कहा कि यहां रेस्टोरेंट संचालित करना हमारा सौभाग्य है। यहां रेस्टोरेंट खोलने के लिए जैसे ही मौका मिला हम दौड़ कर चले आए। बताया कि ये हमारी 11वीं ब्रांच है। इससे पहले मुंबई, उदयपुर समेत अन्य शहरों में फूड प्लाजा संचालित हो रहा है। बताया कि दो फ्लोर में रेस्टोरेंट चलता है। ऊपर एसी सुविधा है जहां लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। नीचे सेल्फ सर्विस है, यहां खड़े होकर खाना खा सकते हैं। फूड प्लाजा में साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन फूड के साथ ही बनारस के लोकल फूड भी सर्व किए जा रहे हैं। सुबह 5:30 बजे रेस्टोरेंट खुल जाता है, रात में 11:30 बजे तक बंद होता है। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर में पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं, इसलिए साफ सफाई और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये हमारा ऐसा एकमात्र रेस्टोरेंट है जहां पूरा मेन्यू बगैर प्याज और लहसुन के तैयार किया जाता है। मंदिर प्रबंधन के आदेश के अनुसार ऐसा किया जा रहा है। रेस्टोरेंट में लोगों को वाजिब दाम पर फूड सर्व किए जाते हैं। कहा कि रेस्टोरेंट कॉरिडोर के गंगा के द्वार के पास है, इसलिए दर्शनार्थियों के विशेष सुविधाजनक है। उन्हें दर्शन पूजन के बाद नाश्ता भोजन के लिए कहीं अन्यत्र नहीं भटकना होगा। एक ही छत के नीचे वाजिब दाम में सारे फूड आइटम का स्वाद ले सकते हैं। हाय, आई एम कीर्ति शेट्टी फ्रॉम UTM। हम कोर्ट UTM कोर्टिंग से है और ये काशी विश्वनाथ में हमारा 11th ब्रांच है। आफ्टर मुंबई, उदयपुर, अभी ये काशी विश्वनाथ का फर्स्ट ब्रांच है। हाँ, हमारा सौभाग्य है, जैसे हमको ये मौका मिला हमने हम दौड़ के चले आए, यहाँ पे चालू कर दिया है। अभी हम 2 मार्च से रेस्टोरेंट चालू हुआ है। यहाँ पे ऊपर एसी रेस्टोरेंट है, नीचे सेल्फ सर्विस है। यहाँ हम साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन एवरीथिंग, मतलब बेकरी आइटम, स्वीट, बनारस का जो लोकल क्यूजिन है वो सब कुछ सर्व करते हैं। नीचे सेल्फ सर्विस है, ऊपर सर्विस मिलेगा आपको, ऊपर एसी रेस्टोरेंट है। ये सुबह खुलता है 5:30 बजे, रात को 11:30 बजे तक शुरू है। यहाँ अभी फ़िलहाल तो 100 से ऊपर ही होंगे, 100-125 के करीब वर्कर है यहाँ। एक बारी में कितने कस्टमर बैठ सकते हैं और कितनी सीटें टोटल हैं ऊपर से? कितने लोग के साथ भोजन करते हैं यहाँ ऊपर? आप एसी रेस्टोरेंट का बात करोगे तो 125 से 140 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। नीचे भी 200-250 लोग खड़ा रह के खाना खा सकते हैं बैठ के। नीचे तो सेल्फ सर्विस है, कोई बैठ के खाएगा, कोई खड़ा रह के खाएगा। स्टैंडिंग सिटिंग दोनों व्यवस्था है नीचे। हमारा हाइजीन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा, आपने हमारा किचन का भी शूटिंग किया हुआ है तो आप देखिए, हम बहुत हाई हाइजीन मेंटेन करते हैं। क्लीनिंगनेस पे बहुत ध्यान है हमारा। तो अभी कॉरिडोर में पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, सारी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं तो वो ध्यान रख के हम हाइजीन को एकदम टॉप मोस्ट पे रखते हैं। टॉप प्रायोरिटी है हमारा हाइजीन एंड टेस्ट। आपको यहाँ टेस्ट अच्छा मिलेगा। और जो ये ऐसा हमारा एक ऐसा एक ही ब्रांच है जहाँ हम पूरा मेनू बिना प्याज और लहसुन का बनाते हैं। जैसे मंदिर प्राधिकरण का हमको आदेश है कि यहाँ मंदिर के अंदर होने के कारण हम हर चीज़ यहाँ आपको बिना प्याज या लहसुन के मिलेगी। प्राइस की बात करें तो कहाँ से लेके कितने तक के प्रोडक्ट ऐसे है 60-90-100 से लेके आप जैसे जैसे अभी ऊपर एसी रेस्टोरेंट में आएंगे वहाँ अलाकार्ट है, पिज़्ज़ा है, तो मेन्यू डिफर करता है तो हिसाब से है। ऐसे 200-220 रुपये की थाली भी है और आप कुछ एक चीज़ लेंगे, पिज़्ज़ा लेंगे तो वो भी 250 रुपये का है, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। हमारे चैनल के माध्यम से 40 रुपये का मिठाई है, 50 का है, जो है बेकरी में आइटम है। हमारे चैनल के माध्यम से आप आए हुए टूरिस्ट और जो आने वाले टूरिस्ट को क्या कहना? ये कहना चाहेंगे कि टूरिस्ट अगर वो काशी विश्वनाथ विजिट कर रहे हैं, या टूरिस्ट हो या बनारस की लोकल पब्लिक हो, एक बार आए हमारे पास, हमको उनका सेवा करने का मौका दे, टेस्ट करें
और देखिए कि हम उनको कैसी सेवा देते हैं, एक बार हम आइए। और जो कि हम एकदम गंगा द्वार पे ही बैठ हमारा ये है रेस्टोरेंट है, तो टूरिस्ट के लिए भी बहुत सहूलियत है, दर्शन करके सीधा यहाँ आ सकते हैं, वापस पार्किंग में जाके गाड़ी लेके कहीं और जाना नहीं है, रिक्शे से चल के एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है, दर्शन कीजिए सीधा आइए, यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था मिलेगी आपको। रेस्टोरेंट का क्या नाम है और इसका सबसे पहली ब्रांच कहाँ थी लास्ट? ये बॉम्बे में ब्रांच थी, अभी बॉम्बे में हमारे काफ़ी सारे ब्रांचेस हो गए हैं, हमारा उदयपुर में भी ब्रांचेस है, अभी ये काशी विश्वनाथ में लेटेस्ट खुला है। क्या नाम है? ये हमारा UTM करके है, उडुपी टू मुंबई। हाँ, और जल्दी हम समझिए एक महीने के अंदर दशाश्वमेध भवन जो बन रहा है, दशाश्वमेध भवन है ना, उसके फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारा यही रेस्टोरेंट आ रहा है, और दशाश्वमेध के टेरेस पे, वहाँ पे टेरेस पे एसी रेस्टोरेंट आ रहा है। मेरा नाम विजय वर्मा हुआ, मैं मुगलसराय का रहने वाला हूँ, और ये मेरे दोस्त लोग हैं जिनके साथ मैं यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने को आया हूँ। उसी दरमियान भूख इंसान की ज़रूरत होती है, तो मैं यहाँ आया हूँ यहाँ नाश्ते के लिए। नाश्ते में मैंने आज थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया, एक कचौड़ी खास्ता लिया और साथ में समोसा लिया, उसका चाट था, काफ़ी अच्छा फ्लेवर था। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अनियन और गार्लिक फ्री है, यानी उसमें उस चीज़ की मौजूदगी नहीं है, और ये जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा टेस्ट खुल के आ रहा है, और प्राइस भी अच्छा है, थोड़ा बिट एक्सपेंसिव कहेंगे, लेकिन हाँ जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आप सेटिस्फाई रहेंगे। ये जो उसके बाद हमने स्वीट्स ऑर्डर किया, हालांकि इसको चखना बाकी है, पर नॉ प्राइस की बात करें तो नॉमिनल प्राइस है। हाँ, रही बात इन लोगों का, बहुत अभी तक तो बहुत अच्छा लगा, जितने सारे स्टॉल्स हैं बाकायदा उस पर नंबर मेंशन है, आपको जो टोकन मिलता है उस पर भी नंबर मेंशन होता है, तो हैजल फ्री है, कोई मुश्किलात नहीं होता है, आप आसानी से काउंटर पे जाइए, उस पर बाकायदा लिखा होता है, उस काउंटर पे जाइए और आराम से आपको डिलीवर हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले आपको बिलिंग काउंटर पे जाना होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मेन्यू डिसाइडेड है, वहाँ उसके साथ उसका प्राइस लिखा हुआ है, आपने उससे कहना होता है कि आपने क्या चाहिए, उसके बाद वो आपको बिल बना के देते हैं और उस बिल पे काउंटर नंबर मेंशन होता है, और उस काउंटर पे आप जाइए, उनके हाथ में बिल थमाइए, आपके हाथ में प्रोडक्ट हाजिर। सबसे तो यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो बनारस चाट, बनारसी चाट है, वो अवेलेबल है। बेवरेज आइटम में जितने भी किस्म का फ्रूट चाट हो गया, या फिर आप जूस ऑर्डर कर सकते हैं, साउथ इंडियन का एक पूरा कॉर्नर है जिसमें आप तमाम तरह के साउथ इंडियन फूड मिलेंगे, नॉर्थ इंडियन थाली भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो यही कुछ चीज़ में, और साथ में मिठाई का एक अच्छा दुकान है। ठीक है, मेरा एक लास्ट सवाल, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने आया और साथ ही साथ रेस्टोरेंट भी आपको मिल गई थी, तो इस व्यवस्था के बारे में आप क्या सराहना कर रहे हैं? सबसे पहले तो इस व्यवस्था के लिए दिल से सैल्यूट, क्योंकि जब आप मंदिर दर्शन के लिए आते हैं तो थोड़ा सा लंबा वक्त लग जाता है, लाइनें लंबी होती है, कतारें लंबी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भूख का लगना, और इस प्रांगण में उन्होंने इस सुविधा को दिया है तो बहुत ही अच्छा, और साथ में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा नाम अभय खरे है, मैं क्या कटनी जबलपुर से आया हुआ हूँ, और आज काशी विश्वनाथ मंदिर आए तो दर्शन करने, दर्शन कैसा हुआ? दर्शन बहुत अच्छा हुआ, दो बार दर्शन किया। व्यवस्था कैसी थी मंदिर के अंदर दर्शन के लिए? मंदिर के अंदर तो व्यवस्था अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं, डिफरेंट नहीं था, कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से बढ़िया पूरी फैमिली को दर्शन हुए। हम लोग कहाँ मौजूद हैं इस वक्त? अपन कॉरिडोर पे मौजूद है, मतलब काशी विश्वनाथ के तो क्या फूड सेंटर में। यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर आया दर्शन करने और फूड सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, तो कैसा लगा और क्या कहेंगे सबसे पहले? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फूड सेंटर, क्योंकि व्यक्ति जब नहा के आता है वहाँ से तो सभी को लगभग 11-12 बज जाते हैं, सभी भूखे होते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं या बैग वैग यहाँ वहाँ रखने जाते हैं, तो अच्छा है, यहाँ पे एक बैठने की व्यवस्था भी हो जाती है, और मतलब फूड वगैरह भी अवेलेबल हो जाता है, रीजनेबल रेट है, टेस्ट भी अच्छा है। फूड की क्वालिटी कैसी है और कितनी हाइजीन रखी गई है? फूड की क्वालिटी अच्छी है, हल्का सा कॉस्टली है, लेकिन जिस जगह पे है उस हिसाब से सब ठीक है, लोगों को अगर टाइम पे हर चीज़ मिल जाए तो कॉस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होती है।
काशी विश्वनाथ मंदिर धाम बना, साथ ही साथ एक छत के नीचे सारी चीज़ें धीरे धीरे समेटी जा रही हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार से सरकार ने काम किया और सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का काम ही होता है कि पब्लिक की सुविधाओं को ध्यान देना, उसमें से ये है कि भीड़ भाड़ का जो विषय है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सभी चीज़ मंदिर के अंदर होने से भीड़ एक जगह ज़्यादा देर तक रुक रही है। अगर वो चीज़ें थोड़ा दूर दूर पे होती या कम होती तो भीड़ भी जल्दी जल्दी खाली होती, व्यक्ति दिन भर अपना यही बिता दे रहा है, जिससे मंदिर के अंदर और मंदिर प्रांगण में भीड़ ज़्यादा हो रही है। और रेस्टोरेंट में आपको कितने तरह के सामान मिले और आप क्या खाएं? हमने तो सावर वड़ा खाया, इडली खाई और अपना खाना ही खाया है, बाकी और कुछ ऐसा अलग से नहीं खाया है। कॉस्ट की बात करें तो लगभग कितने रुपए के महंगे लग रहे हैं आपको और क्या लग रहा है कॉस्ट? कॉस्ट की अपनी अपनी वैरायटी होती है, वो उस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं मतलब कहना चाहूँगा, कुछ भी हो सकता है, वो तो जगह के ऊपर रहता है। अगर जगह लोकेशन अगर आपका सही है तो रेट आप कुछ भी ले सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।